नमस्कार और सलाम, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे एक नया क्लॉज जिसका नाम है ग्रुप बाय, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं। नई क्वेरी विंडो मैंने खोल रखी है, तो हम एक बेसिक क्वेरी लिखते हैं। पहले सिलेक्ट फ्रॉम फैक्ट इंटरनेट सेल्स, ये टेबल हम यूज करेंगे। इसमें से मुझे कुछ कॉलम्स चाहिए, वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट की कॉमा सेल्स अमाउंट, ये दो कॉलम मैं चाह रहा हूँ। तो ये आ गए। अब मुझे क्या चाहिए कि ये प्रोडक्ट कीज हैं, तो मुझे ये देखना है कि हर प्रोडक्ट की का कितना सेल हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रोडक्ट की 310 यहाँ है, फिर दोबारा आ रहा है, फिर 312 भी है, वो भी दोबारा आ रहा है, जैसे 346 भी आप देखिए बार बार आ रहा है। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि एक ऐसा आउटपुट लाना है क्वेरी के जरिए जिसमें प्रोडक्ट की एक ही बार आए, हर एक प्रोडक्ट की, और उसके सामने उसका सेल्स आए। जैसे जस्ट एक हम एक छोटी क्वेरी लिखते हैं ये देखने के लिए कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट कीज हैं। तो हम लिखते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट की फ्रॉम फैक्ट इंटरनेट सेल्स। इससे क्या मिलेगा, मुझे ये समझ में आएगा यूनिक प्रोडक्ट कीज कितने हैं। हमारे पास 158 प्रोडक्ट कीज है। ये लिखना जरूरी नहीं है, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमें आउटपुट कैसा चाहिए। ऐसा आउटपुट चाहिए इसके आगे हर एक प्रोडक्ट की के सामने उसका टोटल सेल्स चाहिए। तो ये देखिए, तो अगर हम टोटल सेल्स चाह रहे हैं तो फिर वाकई हमें सम लगाना पड़ेगा सेल्स अमाउंट पे। ये लगा लिया, इसको हम नाम दे सकते हैं टोटल सेल्स। इसको स्प्लिट करता हूं मैं, देखते हैं हम इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करके क्या होता है। अब यहां पर एक एरर आ रहा है, ये कह रहा है कॉलम प्रोडक्ट की इज इनवैलिड इन सिलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेन्ड इन आइदर एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय क्लॉज। तो लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ क्या किया था, सिर्फ एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल किया था, जैसे हमने लिखा था सिलेक्ट सम, सिलेक्ट एवरेज, मिन मैक्स। इस बार मैं अलग क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो में सम के पहले मैंने एक कॉलम चूज किया है क्योंकि मैं प्रोडक्ट की के हिसाब से टोटल चाह रहा हूँ। जब आप ऐसे करते हैं तब एरर आएगा, और उसका कारण यह है कि आपको ग्रुप बाय क्लॉज लगाना है। तो ग्रुप बाय के साथ आपको उन सब कॉलम का नाम लिखना है जो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर है उनको छोड़कर। तो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर सेल्स अमाउंट है उसको नहीं लेना है, बाकी की जो कॉलम है प्रोडक्ट की उसको लेना है। जब आप ऐसे करोगे और एग्जीक्यूट करोगे तो ग्रुप बाय क्या करेगा, कुछ डिस्टिंक की तरह काम करेगा। वो क्या करेगा, अगर आप देखोगे 158 रोज ही आ रहे हैं यहां पर आउटपुट में, तो वो भी डिस्टिंक निकालता है, बट एक स्टेप आगे जाके क्या करता है, वो टोटल भी कर दे रहा है। हम इसमें ऑप्शनली क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बाय लगाते हैं ताकि डेटा हमारा प्रोडक्ट की के हिसाब से सॉर्ट हो असेंडिंग में, इस तरीके से। तो हमें टोटल सेल्स दिख रहा है। तो ये है ग्रुप बाय। अगर हम चाहते कि हमें टोटल सेल्स के हिसाब से सॉर्ट करना है, जैसे मान लो सबसे ज्यादा जो बिक्री हुई है जिनकी, उनका सेल्स ऊपर रहना चाहिए, तो हम करते हैं ऑर्डर बाय टोटल सेल्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जो सबसे ज्यादा बिक्री हुई है जिनकी भी प्रोडक्ट कीज की, वो ऊपर देखेंगे और बाकी के धीरे धीरे नीचे सम अमाउंट कम होते जाएगा। तो ये है ग्रुप बाय क्लॉज। अब इसमें आप कई और अलग अलग चीजें कर सकते हो, जैसे कि मान लो मैं ये पहला स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूं, हमें सम चाहिए लेकिन मान लीजिए उसके अलावा हमें एवरेज भी चाहिए, कॉमा करके मैं नीचे लिखता हूं, तो हम ले सकते हैं एवरेज ऑफ सेल्स अमाउंट। ये जरूरी नहीं कि हम सेम कॉलम ले, किसी और कॉलम का भी हम एवरेज ले सकते हैं। इसको हम नाम देते हैं टोटल एवरेज, बस मैंने स्टेटमेंट को स्प्लिट किया है। तो इससे क्या आपको तीन आउटपुट मिलेंगे, अभी प्रोडक्ट की भी मिलेगा, सेल्स भी मिलेगा, टोटल हर एक प्रोडक्ट की का, और एवरेज भी मिलेगा आपको। और अलग आप इसमें ये कर सकते हो कि कभी कभी क्या होता है कि आप एक से ज्यादा भी ग्रुपिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हमने सिर्फ प्रोडक्ट की का इस्तेमाल किया, जैसे इसमें और भी कई कॉलम्स है टेबल में, वो देख लेते हैं हम। पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट इंटरनेट सेल्स, तो यहाँ पर देखिए ज्यादातर इसमें न्यूमेरिक कॉलम दिखेंगे क्योंकि एक फैक्ट टेबल है। अभी फैक्ट टेबल होता क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। फिलहाल के लिए मान लीजिए मैं ये सेल्स टेरिटरी की ले रहा हूं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेल्स टेरिटरी की कॉमा, और अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो देखते क्या होता है। अब यहां पर भी एरर आएगा आपको, क्योंकि सेल्स टेरिटरी की को भी आपको ग्रुप बाय में रखना जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा था एग्रीगेट फंक्शन के अंदर जो कॉलम है उसको छोड़कर बाकी के जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट है सबके सब आप कॉपी पेस्ट कर लो ग्रुप बाय में,
आप चाहे तो ऑर्डर बाय में भी रख सकते हो ऑप्शनली। अब ये आएगा, तो ये देखिए जी प्रोडक्ट की आ गया। अब दो लेवल का ग्रुपिंग है, प्रोडक्ट की के अंदर हर एक सेल्स टेरिटरी का टोटल सेल दिख रहा है, और आप इसी तरीके से और कॉलम्स ऐड करते रह सकते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट में। बट याद रखिए जो भी है वो ग्रुप बाय में भी आना चाहिए। और कैसे याद रखना है आपको, उन सब एग्रीगेट फंक्शन के अंदर जो कॉलम है उनको छोड़कर बाकी के जो कॉलम्स है सिलेक्ट में उनको ग्रुप बाय में करना। तो यही था इस वीडियो में ये बताने के लिए कि आप ग्रुप बाय कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक बहुत अक्सर यूज होने वाला क्लॉज या फंक्शन है। तो देखने के लिए शुक्रिया, बने रहिए, धन्यवाद।